स्वागत है आप सबका डिजिटली योर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हम करते हैं इस चैनल पे अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, ट्यूटोरियल्स और बहुत सारी मस्ती। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारे वीडियोज़ सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्स, रिव्यू और सेटअप एक ऐसे प्रोडक्ट को जो एप्पल की तरफ से है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड प्रोडक्ट है क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम बात कर रहे हैं इसकी, ये है एप्पल का एयरपोर्ट एक्सप्रेस। ये एक राउटर है एप्पल की तरफ से, इनफैक्ट ये एक डुअल बैंड राउटर है। और डुअल बैंड का मतलब ये है कि इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल्स दोनों अवेलेबल हैं। इसके साथ आप 50 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको आप एक राउटर, एक वायरलेस रिपीटर और एक वायर्ड रिपीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें है एक USB पोर्ट जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रिंटर को, और उस प्रिंटर को आप वायरलेस प्रिंटर बना सकते हैं। और जो सबसे ख़ास बात इस राउटर की है वो है, इसमें दिया गया है एक 3.5 mm का ऑडियो जैक जिसकी मदद से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्पीकर सिस्टम के साथ एक ऑक्स केबल की मदद से, और उस स्पीकर सिस्टम को वायरलेस स्पीकर सिस्टम बना सकते हैं और गाने बजा सकते हैं एयरप्ले की मदद से। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इसको करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं इसके बॉक्स के कंटेंट और करते हैं इसको सेटअप। नमस्कार दोस्तों, आई एम डिजिटली योर्स और इंट्रो। तो ये है एप्पल की तरफ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस। पैकेजिंग बिल्कुल एप्पल स्टाइल में है। सामने की तरफ आप पाएंगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस की एक तस्वीर और 802.11n वाईफाई लिखा हुआ। पीछे की तरफ आप पाएंगे कुछ फीचर्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इसमें है एक USB पोर्ट वायरलेस प्रिंटिंग के लिए और एक 3.5 mm का ऑडियो पोर्ट ताकि आप वायरलेस म्यूज़िक प्ले कर सकें। वैसे तो इस स्पीकर की कीमत है लगभग 8,000 रुपीज़, लेकिन आप क्रोमा, रिलायंस या ऑनलाइन स्टोर से इसको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में ख़रीद सकते हैं। तो आइए इस एयरपोर्ट एक्सप्रेस को अनबॉक्स कर देते हैं, निकाल देते हैं इसके ऊपर के प्लास्टिक को। बॉक्स के अंदर आप सबसे पहले पाएंगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस। देखने में ये बिल्कुल एक एप्पल टीवी की तरह नज़र आता है। आइए इसको साइड में रख देते हैं। इसके अलावा आप पाएंगे एक चार्जिंग केबल जिसकी मदद से आप इस एयरपोर्ट एक्सप्रेस को चार्ज कर सकते हैं। ये भी देखने में बिल्कुल एक एप्पल टीवी के चार्जर की तरह लगता है। इसके साथ साथ आप पाएंगे कुछ इंस्टॉलेशन गाइड अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो आइए इस एयरपोर्ट एक्सप्रेस को इसके प्लास्टिक में से निकाल देते हैं। पीछे आप पाएंगे एक रबराइज्ड ग्रिप और एप्पल का लोगो, और सामने की तरफ आप पाएंगे एप्पल का लोगो ग्लॉसी फिनिश में। इसके पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और प्लास्टिक है, आइए इसको भी निकाल देते हैं। पीछे की तरफ आप पाएंगे एक चार्जिंग पोर्ट जिसकी मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, एक वैन पोर्ट और एक लैन पोर्ट। इसके अलावा आप पाएंगे एक USB का पोर्ट जिसमें आप एक प्रिंटर कनेक्ट करके उसको एक वायरलेस प्रिंटर बना सकते हैं, और इसके साथ साथ आप पाएंगे एक ऑडियो जैक 3.5 mm का जिसमें आप एक स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स केबल की मदद से और उसको एक वायरलेस स्पीकर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप पाएंगे एक रीसेट का बटन अगर आप इस राउटर को रीसेट करना चाहते हैं, और सामने की तरफ आप पाएंगे सिर्फ एक LED इंडिकेटर ताकि आपको पता चले कि राउटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो आइए इसको सेटअप कर देते हैं। सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप इसके चार्जर को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए और पावर को स्विच ऑन कर लीजिए। पावर को स्विच ऑन करते ही ये एम्बर लाइट में ग्लो करेगा, जिसका मतलब ये है कि ये सेटअप के लिए रेडी है। इसको सेटअप करना बहुत ही आसान है। इसको आप सेटअप कर सकते हो अपने आईफोन या आईपैड से। आपको सिर्फ डाउनलोड करना पड़ेगा एयरपोर्ट यूटिलिटी, जो कि एक फ्री ऐप है। मैक्स में इसको सेटअप करना और भी आसान है क्योंकि एयरपोर्ट यूटिलिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। अगर आप एक विंडोज़ कंप्यूटर में हैं तो आप गूगल में जाके एयरपोर्ट यूटिलिटी फॉर विंडोज़ टाइप कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इसे एप्पल के वेबसाइट से। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आइए चलते हैं अपने मैक पे, टाइप करते हैं कमांड स्पेस और लिख देते हैं एयरपोर्ट यूटिलिटी। यहाँ हम देख सकते हैं कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हम देख सकते हैं कि इसने आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे एयरपोर्ट एक्सप्रेस को। आइए इसको क्लिक कर देते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटो कॉन्फिगर मोड पर है।
ऑटोमेटिकली ये आपके वाईफाई को एनालाइज करेगा और सेटअप के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस अब सेटअप के लिए रेडी है। बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट अ न्यू नेटवर्क मोड में जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने ISP के साथ और इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ऐड टू एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क अगर आप इसे एक रिपीटर बनाना चाहते हैं, या अगर आप अपने पुराने राउटर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग डिवाइस भी कर सकते हैं। हम फिलहाल यूज़ करने वाले हैं इसको क्रिएट अ न्यू नेटवर्क मोड में। इसके सेटअप को समझने के लिए आइए एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है मेरा एग्जिस्टिंग राउटर जो कि फिलहाल कनेक्टेड है इंटरनेट से, और मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने एग्जिस्टिंग राउटर को मेरे एयरपोर्ट एक्सप्रेस से। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक लैन केबल या RJ45 का केबल, और अपने एग्जिस्टिंग राउटर के लैन पोर्ट से मैं इसको कनेक्ट करूँगा अपने एयरपोर्ट एक्सप्रेस के वैन पोर्ट में। तो आइए अब एयरपोर्ट एक्सप्रेस को सेटअप कर देते हैं। यहाँ नेटवर्क नेम में लिख देते हैं मेरे वाईफाई का नाम। आप चाहें तो इस एयरपोर्ट एक्सप्रेस को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसको दे रहा हूँ बेडरूम, क्योंकि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ अपने बेडरूम में। पासवर्ड में आप लिखिए अपने वाईफाई का पासवर्ड और वेरीफाई कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए नेक्स्ट पे। अब ये ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर करेगा इस डिवाइस को आपके वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सेटअप कंप्लीट हो चुका है। क्लिक कीजिए डन पे, और यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका एयरपोर्ट एक्सप्रेस कनेक्ट हो चुका है इंटरनेट के साथ। तो दोस्तों, ये था मेरा अनबॉक्सिंग और इनिशियल सेटअप इस एयरपोर्ट एक्सप्रेस का। इनफैक्ट इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी इसका सेटअप प्रोसेस, जो एयरपोर्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इसको बहुत आसानी से सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है और आपने कभी राउटर सेटअप किया नहीं है तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटो कॉन्फिगर हो जाता है। बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दिल खोल के लाइक करिए। आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा हिम्मत और प्रोत्साहन देते हैं मुझे अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलने आऊँगा आपसे अगले हफ्ते इसी तरह एक नए वीडियो में, एक रिव्यू, अनबॉक्सिंग, ट्यूटोरियल या कुछ मज़ेदार चीज़ लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।